गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो आज का जो टॉपिक है हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पॉपोटेशन के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है uh, ये दो तीन uh, दो तीन बार आ चुका है फाइनल एग्जाम्स पे सो लेट लेटर्स टू डिस्कस हाउ मेनी वर्ड्स मे बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे इफ़ फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम सो कंडीशन वाइज हम लोग करके जाएंगे शाम को तो टोटल हम लोग कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं फ्रॉम द वर्ड मंडे एम ओ एन डी ए वाई

टोटल हम लोग का कितना अल्फाबेट्स है पर लेटर्स है एक दो तीन चार पाँच छः छः लेटर्स है उसमें से हम लोग को कितना लेटर्स लेना है एक साथ में फोर लेटर्स यूज एट टाइम तो सिक्स पी फोर हो जाएगा ठीक है तो सिक्स पी फोर होगी तो सिक्स पी फोर क्या हो जाएगा यू यूज द फॉर्मूला तो सिक्स है तो सिक्स फैक्टोरियल पी फोर तो सिक्स माइनस फोर इज टू फैक्टोरियल तो सिक्स फैक्टोरियल मतलब सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल नीचे में टू फैक्टोरियल है टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री एंड द्री सिक्सटी वेस ओके नेक्स्ट पार्ट में बोल बोल रहा है ऑल द लेटर्स आर यूज एट ए टाइम अभी एक साथ में सारे लेटर्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो तब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डेट में फॉर्म वैन ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम इज इक्वल्स टू अभी छह टोटल लेटर्स है अभी छह को हम लोग एक साथ में अरेंज करेंगे मतलब पकड़ लो ऐसा हो जाएगा एम ओ एन डी ए वाई व ओ एन ए ये अल्फाबेट्स आपस में अरेंज होते रहेगा ठीक है छे छह अल्फाबेट से अरेंज होता रहेगा तो कितने तरीके से हो सकता है सिक्स बी सिक्स टू सिक्स फैक्टोरियल मतलब क्या है जीरो तो अभी नेक्स्ट क्या बोला गया टेक ऑल टुगेदर एंड बिगिनिंग विथ एम तो टोटल तो कितने सारे वर्ड्स बन सकता है जो मतलब जो एम से बिगिन होगा ठीक है बिगिनिंग एम से ही होना पड़ेगा तो बोला गया टुगेदर एम बिगिनिंग विध एम मतलब स्टार्टिंग का एम फिक्स रहेगा बाकी ये जो आपस ये जो पांच बाकी है ओ एन डी ए वाई ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है लेटर सब ठीक है ये आप लेकिन एम फिक्स है तो मैंने क्या लिख दिया सिंस एम इज़ फिक्स्ड इन द फर्स्ट प्लेस सो द रिमेनिंग फाइव वैकेंट प्लेसेस है एक दो तीन चार पाँच राइट सो द रिमेनिंग फाइव वैकेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई फाइव लेटर्स इन फाइव पी फे फाइव पी फाइव वेज तो अभी देखो कितना प्लेसेस खाली है एक दो तीन चार पाँच पाँच खाली है एंड डिजिट्स आपके हाथ में कितने हैं पाँच है सॉरी डिजिट्स नहीं सॉरी अल्फाबेट्स आई मीन टू से लेटर्स बिकॉज एम ऑलरेडी चला गया है तो क्या बाकी है हम लोग के हाथ में ओ एन डी ए वाई पाँच अल्फाबेट्स बाकी है पाँच प्लेसेस बाकी है तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है दैट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डेट मे बी फॉर्म बिगिनिंग विथ एम तो एम का पोजिशन फिक्स हो गया है एम या पे फिक्स है तो वो कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट पे नहीं आ रहा है एम फिक्स हो गया तो बाकी पाँचों में इधर उधर होगा राइट एम फिक्स है तो बाकी पाँच आपस में घूमते रहेगा मीनस अरेंज होता रहेगा तो इसी से ये फिक्स है तो इसके लिए इतनी तरीके से अरेंज हो सकता है वन तो वन इंटू समथिंग इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे हाँ देट द टोटल नंबर वर्ड्स दैट मे बी फॉर्म बिगेनिंग विथ एम इक्स टू फाइटी फाइव एक्चुअली पहला पहला पोजिशन के लिए ए वन है तो वन इंटू फाइफी फाइव तो वन को मैंने नहीं लिखा सो जो रिमेनिंग प्लेसेस है उसके लिए लिख दिया फाइव पी फाइव इक्स टू फाइव पी फाइव का मतलब फाइव फैक्टोरियल इक्स टू वन ट्वेंटी वेस ओके नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक एन ऑल टूगेदर बिगिनिंग विथ एम एंड नॉट एंडिंग विथ वाई ओके मतलब जो एम से बिगिन होगा वर्ड्स जो एम से बिगिन होगा लेकिन एंड नॉट एंडिंग विथ वाई लेकिन वाई से खत्म नहीं होना चाहिए एम से स्टार्ट होगा जो वर्ड्स लेकिन वाई से वाई से खत्म नहीं होना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी नॉट वाला चीज़ दिया हुआ रहेगा ना जब भी नॉट वाला चीज़ दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग होंगे वाला निकालेंगे मीन्स टोटल नंबर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम एंड एंडिंग विथ वाई जो एम से बिगिन करता है एंड वाई पे ख़त्म होता है वो हम लोग निकाल लेंगे जब भी नॉट वाला दिया रहेगा हम लोग उसका ऑपोजिट पे काम करेंगे ठीक है तो टोटल नंबर वर्ड्स विथ एम एंड एंडिंग विथ वाई दैट कैन बी फॉर्म इज इक्वल्स टू देखो अभी एम एम हो गया पहला प्लेस में राइट ओ एन डी एंड लास्ट वाला क्या होगा वाई बोला गया ना द टोटल नंबर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम एंड एंडिंग विथ वाई तो स्टार्टिंग का एम्स लास्ट uh, का वाई फिक्स हो गया तो अभी कितना प्लेस खाली है एक दो तीन चार प्लेस खाली है चार प्लेस के लिए अल्फ़ाबेट्स कितने अल्फाबेट्स कितने हैं चार है वो लेटर्स कितने हैं चार है तो देखिए फोर पी फो फोर फैक्ट्रो का सो ट्वेंटी फोर बेस तो अभी क्या हो गया हम लोग का ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ऐसा वर्ड्स होंगे जहाँ पे स्टार्टिंग पे एम होगा एंड लास्ट पे वाई होगा एंड यहाँ पे क्या मिला था है? हम लोग को एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड कितना है वन ट्वेंटी है तो एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड एक सौ बीस है एम से जितना भी वर्ड स्टार्ट होगा वो टोटल कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी हो जाएगा एम से स्टार्ट एंड वाई पे खत्म होने वाला कितना है ट्वेंटी फोर है तो अभी एम से स्टार्ट एंड वाई पे खत्म नहीं होने वाला कितना हो जाएगा तो वन ट्वेंटी मानस ट्वेंटी फोर सिंपल दे आर फॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मे बी फॉर्म बिगिनिंग विथ एम एंड

हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग फोर डिजिट नंबर बना सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला गया है हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड तो इसमें से कितने सारे ऑड है तो ऑड के लिए ऑड नंबर क्या होना पड़ेगा ऑड नंबर के लिए लास्ट का प्लेस जो है लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना पड़ेगा ऑड होना पड़ेगा राइट फॉर ऑड डिजिट नंबर द लास्ट प्लेस मास्ट बी ऑड तो मैंने यहां पे लिख दिया है फॉर ऑड नंबर द यूनिट प्लेस मास्ट बी ऑड अभी इसमें ऑर्ड वाला डिजिट क्या क्या है एक है हो गया वन एक हो गया थ्री और एक हो गया फाइव तो so, आपके पास वन uh, एक और डिजिट है थ्री और डिजिट है फाइव और डिजिट है बाकी टू फोर सिक्स क्या है इवेन है राइट सो फॉर यू ऑड नंबर द यूनिट प्लेस मास्ट बी ऑर्ड जो लास्ट वाला प्लेस है वो क्या होना पड़ेगा आपका ऑर्ड होना पड़ेगा सो देर आर थ्री चॉइसेस फॉर द यूनिट प्लेस तो थ्री चॉइसेस मैंने बोल दिया ऑलरेडी वन है थ्री एंड फाइव है राइट एंड द रिमेनिंग थ्री प्लेसेस इसका बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया इसके लिए थ्री चॉइसेस है कितने चॉइसेस है थ्री चोइजेस है एंड द रिमेनिंग तीन प्लेस जो है एक दो तीन एंड द रिमेनिंग तीन प्लेस के लिए एंड फॉर द रिमेनिंग थ्री प्लेसेस देयर आर फाइव चॉइजेस एंड दस इट कैन बी फिल्ड इन फाइव बी थ्री वेज देखो अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे वन है थ्री है फाइव है तो लास्ट प्लेस लास्ट प्लेस के लिए आपका कितना चार्जेस है तीन चार्जेस है तो तीन में से या तो वन बैट रहा है या तो थ्री बैठ रहा है या तो फाइव बैठ रहा है एक साथ में तीनों नंबर तो लास्ट प्लेस पे नहीं बैठ सकता है तो कोई एक ही बैठेगा तो रिमेनिंग दो बच जाएगा दो के साथ दो बच रहा है एंड साथ में टू फोर सिक्स इसको का अगर मिला दो आप ऐड कर दो तो कितना हो? हो जा हज़ार मतलब पाँच रहा है राइट टू प्लस और एक दो तीन तो मतलब तो इसमें दो दो बाकी है दो डिजिट बाकी रहेगा बिकॉज वन थ्री फाइव में से कोई एक बैठेगा तो बाकी दो डिजिट जो बच रहा है एंड उसके साथ और टू फोर सिक्स तीन डिजिट और बाकी है तो पाँच डिजिट हो रहा है तो पाँच डिजिट है और सॉजस कितना है आपके पास मतलब ब्लैंक कितना है एक दो तीन है राइट सो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर द रिमेनिंग थ्री प्लेसेस देयर आर फाइव चॉइसेस इन दस इट कैन बी फिल्ड इन फाइव पी थ्री वेस यहाँ पे देखो मैंने फाइव पी थ्री लिखा यहाँ पे रिपिटेशन अलाउड नहीं है अगर रिपिटेशन अलाउड क्वेश्चन में बोल देता तो यहाँ पे सिक्स पी थ्री हो जाता ठीक है सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ आंसर नहीं है तो फाइव पी थ्री हो जाएगा सो टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट ऑड नंबर डट में फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फाइव सिक्स गर्स टू अभी इसके लिए हम लोगों के पास चॉइस कितने हैं थ्री है तो इसलिए थ्री इन टू एंड ये तीनों प्लेसेस के लिए चॉइस कितने हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कितने हैं फाइव पी थ्री तो अल्टीमेटली आंसर वल वी थ्री इंटू फाइव पी थ्री फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करके कर कितना मिला वन एट्टी वेस्ट तो टोटल तो 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 हम लोग का वन एट्टी वेस्ट हो रहा है ठीक है